ये आपका कंडीशन ऑफ इनग्रोन टो नेल है, कितने दिनों से है ये दिक्कत? प्रॉब्लम बहुत पहले से है, लेकिन ये 1 month से शू से दब इतनी की वजह से इस साल ऐसा हो गया है। लेकिन पहले भी वन दिक्कत होते रहता हाँ था। होता था, स्वेलिंग हो जाती थी, फिर वो जो ऑयल वॉयल गर्म करके कैसे करके हम लोग काम चला रहे थे, क्योंकि वो निकालने वाला था नहीं ना इसको। तो इसमें नेल अपने ही टिश्यू में अंदर ग्रोथ करके और वहाँ टिश्यू इंजरी ट्रॉमा करते रहता है, और जिनको होता है वो बराबर रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, पस, डिस्चार्ज, सिक्रीशन, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। अगर अर्ली स्टेज में एंटीबायोटिक्स, पेन किलर वगैरह, मेडिसिन, हॉट सलाइन, फर्मेंटेशन, गर्म पानी से सेकना, इससे ट्रीटमेंट होता है। लेकिन अगर बार बार होता है तो फिर सर्जरी करके नेल का जो ग्रोथ वाला पार्ट है, मतलब नेल बेड पार्ट, उसके साइज़ को छोटा कर देते हैं ताकि ये फिर मतलब अंदर टिश्यू में अंदर ना बढ़े, मतलब इन फ्यूचर से मतलब प्रॉब्लम हो नहीं सकता हो। है कुछ हाँ, लोगों तो का। वही सर्जरी आप में कर रहे हैं अभी? ये एक नेल दूसरे नेल में भी हो सकता है ऐसा? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन कई बार देखा गया है एक अंगूठे में हुआ, दूसरे अंगूठे में भी होता है कभी, लेकिन वो पहले से एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं कि हो ही जाएगा, तो अभी जिसमें है उसकी ही ट्रीटमेंट। देख रहा है कि ये पार्ट, ये टिश्यू में एम्बेडेड है, ये क्लियर कट विजिबल है कि अपने ही टिश्यू को नेल मार्जिन यहाँ पे कट कर रहा है, और इसके कारण ये पेन, ये सम सॉर्ट ऑफ नाइफ की तरह ये खुद ही एक्ट कर रहा है इस जगह पे, ये नेल प्लेट डिसेक्ट हो गया है, और अब दिखेगा कि अंदर में ये कुछ इतना बड़ा, ये इतना बड़ा सा पार्ट ये अंदर में एम्बेडेड था, और यही कटिंग एज का काम कर रहा था। तो ऑलमोस्ट 25% ऑफ द नेल प्लेट हम लोग निकाल देते हैं, ये दिखता है अंदर में, ये इतने दूर तक ये एक्सटेंड था, एक्सटेंडेड था, ये कुछ अंदर से इतना बड़ा ये निकला, ये अंदर, जबकि बाहर से इतनी छोटी सी स्पेस बनी है। ये नेल प्लेट निकलने के बाद अंदर जो ये व्हाइट सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये नेल बेड है, इसी से नेल निकलता है। अगर सिर्फ इसको निकाल के हम लोग छोड़ दें तो फिर यहाँ से सेम साइज़ का नेल ये ग्रो करेगा, और इसको अगर कट करके, ये जो पॉलीथीन की तरह का स्ट्रक्चर है, प्लास्टिक की तरह, इसको, इसके साइज़ को अगर हम लोग छोटा करते हैं तो फिर दोबारा रिकरेंस नहीं होता है इसमें। तो हमेशा इनवेरिएबली हर केस में नेल प्लेट के साथ साथ जर्मिनल लेयर को भी छोटा करना होता है टू प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ दिस इनग्रोन टू नेल कंडीशन। 3 दिन के बाद आई हैं आप, कैसा थोड़ा दर्द वगैरह कितना है? बहुत है ऐसे, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, नहीं कुछ और धीरे धीरे झुनझुनाहट पैर में हो रही है, मतलब थोड़ा पैर सा है, लटकाने से थोड़ा सा थोड़ा हो सा रहा है। होगा। हाँ, तो तकरीबन 1 वीक में ये सारा ठीक हो जाता है। स्टिचेस भी 2 लगाते हैं, वो भी निकल जाएगा। आज से ओपन रहेगा, अपॉइंटमेंट लगाएंगे इस पर।